हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ग्रुप सी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप सी में जिसका जिसका सेंटर आसनसोल और हावड़ा में गया है, उसे खाने में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या बनाना पड़ सकता है, हम उस पर चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर। साथ ही दोस्तों, जैसे आपने अगर देखा होगा प्रीवियस वीडियोज़ में, जैसे कि आपने कपूरथला और अगर दिल्ली के ट्रेड टेस्ट के अगर आपने वीडियो देखे होंगे, तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि वहाँ पर किस प्रकार जो है पूछा जा रहा था मसालों के नाम, सब्जियों के नाम। तो कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ओरल टेस्ट में, यानी पहले राउंड में। तो हम सब कुछ इसमें चर्चा करने वाले इस वीडियो को, तो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, जब भी कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म आता है, उसे कैसे भरना है, क्या उसका लास्ट डेट है, मगर पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको हम इस चैनल पर बता देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम आपसे आपको पहले बताने वाले हैं कि जो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में जो जो चीज़ें फेमस हैं फूड में, वो चीज़ आप जान लीजिए, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि आप जो है वहाँ पे का सेंटर आपका वहाँ पे गया है आसनसोल और वेस्ट बंगाल में जो, तो वहाँ पे आपको देखिए ओरल टेस्ट में पूछा जा सकता है कि वहाँ के कुछ फूड्स के नाम, तो आपको वहाँ के फूड्स के नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ये ओरल टेस्ट भी है दोस्तों। पहला राउंड तो आपको क्लियर करना होगा, तभी जाके आपको जो है ट्रेड टेस्ट का स्टार्ट करना होगा। तो पहले राउंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको कपूरथला में मसालों के नाम पूछे गए तो स्पाइसी के नाम ही आपको हर जगह पूछे जाएंगे। हर जगह अलग अलग सेंटर्स हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग स्टेट्स हैं, तो सभी के अपने अपने हिसाब से जो है फूड्स होते हैं, और वहाँ के फूड के हिसाब से आपको जानकारी होना अनिवार्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए आप, पहला जो है मैं दिखा रहा हूँ, इसका अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम है। तो देख लीजिए, ये है, इसे कहते हैं पुचका, किंग ऑफ स्ट्रीट फूड इन कोलकाता। यानी कि आप इनसे नॉर्मली हम लोग अगर देखा जाए तो इसे पानीपुरी कहा जाता है, तो ये देखिए इसे पुचका कहा जाता है वेस्ट बंगाल में। तो आप इसका नॉलेज ले लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा या फिर देख लीजिए, तो आसान है लेकिन आपको जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि पुचका कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेस्ट बंगाल में पानीपुरी को क्या नाम से बुलाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, अगर आपने कभी इसके बारे में जाना ही नहीं या पढ़ा ही नहीं। तो आपको क्या है, कभी भी स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है दोस्तों। ज़रूरी नहीं स्टेप बाय स्टेप, जो कहते हैं ना कि एक रास्ता सभी लोग अगर अपनाते हैं तो 400 स्टूडेंट जो तैयारी करके आते हैं, उन 400 में से सिर्फ 4 लोग क्यों सेलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ये 4 वो होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, यानी कि वो अलग स्किल्स लाते हैं, वो अलग कुछ तैयारी करके आते हैं। जो एग्ज़ामिनर जो है, जो कांस्टेबल वहाँ पे बैठा है, जो आपका एग्ज़ाम ले रहा है, उसे ये चीज़ दिखती है कि ये स्टूडेंट जो है औरों से अलग है, यानी कि उन्होंने और ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट किया है। यही चीज़ है दोस्तों, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि आपको मैं जो है कोलकाता के बारे में जितना भी फूड्स हैं, जो जो आइटम्स होते हैं उनके फूड के, उस सभी चीज़ आपको बता दूँ, ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल हो। तो ये पहला हो गया पुचका दोस्तों। तो अब सेकेंड आ जाते हैं, सेकेंड है देख लीजिए, ये इसे कहते हैं खाती रोल्स, आप इसे फ्रेंकी भी कहा जा सकता है, काफ़ी अलग अलग जगहों पे कहा जाता है अलग अलग नाम, लेकिन यहाँ पे इसे खाती रोल्स कहा जाता है। तो देख लीजिए बहुत ही फेमस है यहाँ पे कोलकाता में वेस्ट बंगाल के लिए। नंबर 3 पे आ जाते हैं हम, इसे कहते हैं लूची एंड आलूदम। तो आप देख लीजिए किस प्रकार दिखिए। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो है ये आलू दम जो आइटम है, ये आपको बनाने को दिया जा सकता है वाटर, जो आपका कैरियर जो ट्रेड है आपका, अगर आपने उसके अंदर फॉर्म भरा है, तो आपको जो है वाटर कैरियर में आलू दम यानी कि जो ये बनाया गया है इनका फूड है, ये आपको बनाने के लिए दे जा सकता है लूची एंड आलू दम। तो इसके बारे में आप अच्छे से देखिए, रेसिपी इसकी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वैसे भी हम अपने बाकी के वीडियोज़ में आपको रेसिपी भी बताने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, सर आप रेसिपी भी बताइए कि किस प्रकार हमें बनाना है खाना, क्योंकि हमें वहाँ पे जाके काफ़ी दिक्कत हो रही है। एक जो है स्टैंडर्ड रेसिपी बता दीजिए, ताकि उसी रेसिपी से हम सभी लोग जो है सीख सकें और हमें वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको एक जो है स्टैंडर्ड रेसिपी, जो एक अच्छे मास्टर शेफ से जो कहते हैं सीखकर, मतलब उससे जानकारी लेकर, उसके बाद ही मैं अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम जाएगा दोस्तों, बट 1-2 वीक के अंदर मैं आपको जो है पूरा का पूरा रेसिपी के सहित आपको सब कुछ अपलोड कर दूंगा। नंबर 4 पे आ जाते हैं, देखते हैं हम नंबर 4 पे क्या फेमस चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, आप देख के समझ गए होंगे, इसे लेकिन घुघनी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं जगह छोला कहा जाता है, बट यहाँ पे घुघनी कहा जाता है इसे। तो देख लीजिए कैसे बनाया जाता है, इसे देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बट देख लीजिए इसे मोगली पराठा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने पराठा तो काफ़ी सुना होगा, पराठा किस प्रकार के होते हैं, लेकिन देखिए मोगली पराठा जो है ये कोलकाता में बहुत फेमस है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है।
बंगाली पराठा कहाँ का फेमस फूड है। आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपको जो है वेस्ट बंगाल से बाहर के नहीं होंगे, यानी कि आपका वाटर कैरियर अगर आपका ट्रेड है तो आपको फूड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है पूछी जाएगी तो वो वेस्ट बंगाल से ही रिलेटेड होगी। इसलिए मैं आपको जो है स्पेशली जो है बंगाल के जितने भी फूड्स हैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर। देखिए यहाँ पर चाइना टाउन जो है ये शॉप के नाम है जो मैं अपने ऊपर देखा, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इसे चाइना टाउन सॉस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज़ फूड के आइटम है ये, ये देख लीजिए, इसे ड्रैगन चिकन कहते हैं, ये भी काफ़ी फेमस है वेस्ट बंगाल में। नंबर 8 पे आ जाते हैं, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही चल चुका होगा, समोसा। जी हाँ दोस्तों, बहुत फेमस है ये भी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कुछ अलग है, गंगूरामस। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, ये आपको ट्रेड टेस्ट में पूछा जा सकता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रोटी का उतना प्रचलन नहीं है जितना कि अदर स्टेट्स में था, अलग अलग ग्रुप में थे। यहाँ पे आपको पूड़ी बनाने को भी दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वाटर कैरियर का जो ये ट्रेड टेस्ट चल रहा है तो आपको इस प्रकार जो है पूड़ी बनाना, यानी कि किस प्रकार उसका आटा सानना होगा फटाक से और कैसे उसको तेल में काढ़ के फुला कर आपको दिखाना होगा, उसका भी स्टैंडर्ड होगा दोस्तों। क्योंकि अभी वीडियोज़ आने वाले हैं, हमारे दोस्तों ने अभी हमारे साथ शेयर नहीं किया है, जैसे ही वहाँ पर वीडियोज़ हमें मिलेंगे तो हम आपको जो है एक्सपीरियंस वाला वीडियो लाइव आपको दिखाएंगे किस प्रकार जो है वहाँ पे हो रहा है। बट दोस्तों जब तक ये है देख लीजिए वहाँ के सारे फूड्स के नाम, पूड़ी वगैरह कैसे बनाई जाती है ये सब चीज़ें आपको सीख लेना है। इसमें भी आटा ही सानना है, ये भी सेम प्रोसीजर है, बट वहाँ पे रोटी बनानी थी तो यहाँ पे आपको पूड़ी बनानी पड़ जाएगी। नंबर 10 पे आ जाते हैं हम, मोमोज़ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, मोमोज़ बहुत फेमस है। आप ये चिंता मत कीजिए, मोमोज़ आपको नहीं बनाने को दिया जाएगा, सिर्फ मैंने आपको नाम इसलिए बताने के लिए बताया है क्योंकि ओरल टेस्ट में आपसे पूछा जाता है पहले राउंड में फलों के नाम, फ्रूट्स के नाम, मसालों के नाम, सब्जियों के नाम, तो यहाँ पे क्या आपको स्ट्रीट फूड्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं कोलकाता के, इसलिए ही मैंने ये वीडियो बनाया जो बच्चे देख रहे वीडियो उनको ताकि समझ हो सके। ये तेल भाजा है देख लीजिए, स्ट्रीट फूड्स हैं यहाँ पर, बहुत फेमस है ये सब भी। मिठाइयों के बारे में आपको पता ही है, बंगाल की मिठाइयाँ देख लीजिए, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ईटिंग हाउस देखिए बलवंत का, पाव भाजी, पाव भाजी तो आप सभी को पता ही है। नॉनवेज आइटम्स बहुत होते हैं दोस्तों वहाँ पे, ये देख लीजिए, इसे कहते हैं कबरजीत कटलेट। जी हाँ दोस्तों, ये कटलेट है वहाँ का, वेस्ट बंगाल का। हमारे यहाँ का कटलेट देखिए कैसे प्लेन्स होते हैं, वहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार के कटलेट हैं। कुल्फी तो आपको पता ही, तो आइसक्रीम में आ जाएगा, ये आपको नहीं पूछा जाएगा। जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों मैं इसलिए आपसे फिर वही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। देख लीजिए ये गोल्ड पार्क क्रॉसिंग सोर्स है, ये आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। ये फिश फ्राई, जी हाँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अगर आपका ट्रेड है तो आपको पता है कि नॉनवेज में आपको फेवरेट टॉपिक जो है एग्जामिनर का क्या होगा, वो होगा फ़िश। यानी कि फ़िश से रिलेटेड जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो सभी आपको पता होनी चाहिए, फ़िश फ्राई, फ़िश कढ़ी, तो फ़िश के संबंधित ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे मोची भात जिसे हम कहते हैं ना, मोची भात वहाँ का फेवरेट जो है फूड आइटम्स हैं। तो मछलियों के बारे में आप नॉलेज ले लीजिए, मछलियों में काफ़ी आइटम्स आते हैं और कुछ भी आपको बनाने के लिए दिया जा सकता है, और ये अब दोस्तों पक्का दिया जाएगा। बाकी स्टेट में आपने देखा था वाटर में, दिल्ली वगैरह और कपूरथला में वहाँ पे ऑमलेट बनाने के लिए दिया गया था, बट यहाँ पे आपको मछली का बहुत ही भंडार है दोस्तों, तो आपको मछली फ्राई करनी पड़ सकती है, मछली की कढ़ी बनानी पड़ सकती है। तो इस प्रकार जो है इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ये भेल वगैरह है, इसके बारे में आपको कुछ खास ज़रूरत नहीं है, ये हावड़ा ब्रिज है अब तो फेमस है ही। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने देख लिया किस प्रकार के फूड्स जो हैं कोलकाता में फेमस हैं और क्या क्या आपको बनाने के लिए दी जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो के अंदर आपको ये सीखने को मिल चुका होगा काफ़ी कि कोलकाता के जो फेमस फूड हैं, स्ट्रीट फूड है, मतलब जो वहाँ पे लोकेलिटी में फेमस हैं, अगर आपको वहाँ से पूछा जाता है उससे क्वेश्चन कुछ भी रिलेटेड आता है तो आप सभी को जो है इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिल चुका होगा और आप आसानी से वहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। साथ ही दोस्तों हम आपके लिए रेसिपी के जो वीडियोज़ हैं वो भी लाने वाले हैं, तो जल्द दोस्तों आपको अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आपको सीखने के लिए मिल जाए क्योंकि आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों।